नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि हस्तरेखा में कैसे देखें कि आप मंगलिक हैं और उसके क्या सरल उपाय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। ये हमारी हृदय रेखा। हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, हर किसी को चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं कि मंगली होना अलग बात है और मंगल दोष होना अलग बात है। कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में मतभेद का कारण बनता है, जैसे कि विवाह में देरी होना, विवाह टूटने का डर बना रहना, विवाह होने के बाद पति पत्नी और परिवार के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहने, ये कहीं न कहीं ये वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम हमारे इस लाइफ में, हमारी लाइफ बेहतर ना चल पाना कहीं ना कहीं मंगल दोष का कारण बनता है। कहते हैं कि मंगल का जो स्वभाव होता है ना, मंगलिक जो व्यक्ति होते हैं वो कठोर निर्णय लेने वाले होते हैं और कठोर बोलते हैं, मीठा बोलकर अपना काम नहीं निकलवाना चाहते। ऐसे लोग हर काम पूरी तैयारी और पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। ऐसे लोग अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और काम के प्रति जुनूनी होते हैं। इन्हें लड़ाई झगड़ों से डर नहीं लगता। मंगल एक क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह नहीं है। साहसी और पराक्रमी होते हैं मंगल वाले, लेकिन यही साहसी और पराक्रमी, यही उत्साह कहीं ना कहीं माता पिता को चिंतित करता है कि मेरे बच्चे की शादी में कहीं ना विघ्न आ जाए और हंसी खुशी परिवार में और ये मधुर संबंध में उनके टूटने का डर उनके दिमाग में बैठा रहता है। मेरा अपना मानना है, अगर आपके घर में कोई मंगलिक लड़का है तो आप उस लड़के का विवाह मंगलिक लड़की के साथ ही करना चाहिए, नहीं तो इन दोनों का पारिवारिक मतभेद पूरी ज़िंदगी बना रहता है और ये लाइफ की पटरी जो है चलना बड़ा मुश्किल होता है। हस्तरेखा में देखते हैं कि कैसे होता है मंगल का प्रभाव। ये हमारा निम्न का क्षेत्र है, निम्न मंगल है। निम्न मंगल के क्षेत्र पे बारीक लाइनें काटती हुई, ये इसको काटती हुई कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव दर्शा रही है, गुस्से को बढ़ाने का काम कर रही है, आपके मन में उग्रता पैदा कर रही है। और ये जीवन रेखा और हमारे मस्तिष्क रेखा में बीच का गैप होना, हमारे मन के विचारों में भिन्नता आ जाना, हम एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज ना कर पाना, ये इस चीज़ को दर्शा रही है कि हमारा कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव हमारे अपने वैवाहिक जीवन में मधुर रिश्ते को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी के साथ ये हमारी विवाह रेखा। विवाह रेखा को एक रेखा ये काटती हुई रेखा हो, ये हमारी मैरिज लाइफ को, हमारे मधुर संबंध को खराब करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं मंगल दोष को ही प्रभावित कर रही है। मंगल दोष का आपके लाइफ में प्रभाव दिख रहा है। इसी के साथ
ये मैरिज लाइन पे ये इस चिन्ह को, दो मुखी शाखा को मंगल के प्रभाव को और बढ़ा रही है। मंगल के स्वभाव में परिवर्तन करना, मंगल के प्रभाव में उग्रता लाना, पति और पत्नी में मतभेद डालकर मधुर संबंध को खराब करने का ये मंगल का भी प्रभाव यहाँ पे दिखाता है। इसी के साथ ये हमारी विवाह रेखा की एक रेखा हमारी हृदय रेखा में मिल जाना हमारे मन की स्थिति को और खराब कर देना, कहीं ना कहीं ये मंगल के दोष को प्रभावित करता है। और ऐसे लोग पति और पत्नी के बीच में काफ़ी दूरियां कायम रखते हैं और मैरिज लाइफ को, मधुर संबंध को खराब करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ ये एक रेखा इस हमारी हृदय रेखा से ये निम्न के मंगल पे जाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं हमारे हृदय रेखा हमारे प्यार को और हमारे उच्च निम्न मंगल के प्रभाव में उग्रता बनाने का योग दिख रहा है यहाँ पर। ऐसे लोग मंगलिक होते हैं। मैं एक बार फिर से बोलूँगा, कैसे लोगों का वैवाहिक जीवन हमेशा बहुत मधुर नहीं रहता है, उसके लिए लड़के और लड़की की कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। अब इसी के साथ हम एक उपाय बताते हैं जो कि आपको काफ़ी आसान उपाय है और सरल उपाय है। ये हमारी भाग्य रेखा, जैसे कि कहते हैं कि हनुमान जी का उपासना करनी चाहिए और लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गुड़ का सेवन कर लेना चाहिए और मंगलवार को तांबे का छल्ला अपनी अनामिका उंगली के बीच में धारण करना चाहिए और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हनुमान जी के मंत्रों का जाप जैसे ओम अंग अंगारकाय नमः का 11 माला जाप करनी चाहिए और मंगलवार को चमेली के तेल और सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। अगर कोई महिला है तो उसको लाल फूल अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।